काफी बड़ी सी गाड़ी है, जाइंट है, जाइंट। तो चलो सबसे पहले तो आपको गाड़ी दिखाते हैं। टैन टैन हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब अभी हैं हम लोग कहाँ, जहाँ कहीं भी हैं। तो रात को क्या है कि अंधेरा हो गया था और धुंध अभी भी देखो, जैसे पीछे देखो मतलब धुंध में ना कुछ धुंध इतनी ज़्यादा है ना कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। सुबह सुबह उठे थे तो मॉर्निंग वॉक करने के लिए आ गए थे। अभी मैंने वीडियो सुबह 9 बजे अपलोड की है और लगभग 600-700 कमेंट्स तक आ गए हैं। एंड आई होप वीडियो जो है हमारी वो 3000 कमेंट्स क्रॉस कर जाएगी और मुझे शाम को 7 बजे गाड़ी आपको दिखानी भी है। बस अभी ये छोटा सा वॉक करके जाएंगे, जाके आपको जो है वीडियो दिखाएंगे कि भाई कौन सी गाड़ी हमने ली है। और वो देखो एक कौन सा बोलते हैं इसको, डोगो अर्जेंटिनो। मैं बिल्कुल आई एम एट अ सेफ डिस्टेंस, अपन को बहुत डर लगता है। देख सकते हो पंजाबी, किसी को अगर समझ आती है हमारी लोकेशन गैस कर सकते हो आपकी पंजाबी में क्या लिखा हुआ है और हम अभी कहाँ हैं। अभी दो चार काम और भी है ना मैं, हाँ। तो अभी दो चार गाड़ियाँ और भी देखनी है। और भाई साहब पंजाब मतलब ना अलग जगह लगती है, जैसे हम लोग जम्मू थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है, ये जगह थोड़ी अलग टाइप की लगती है। कहीं भी हो लेकिन सर्दी में तो एक ही चीज आपको बचाएगी और वो है ये आग। यहाँ से देखो यहाँ मतलब ऐसी ऐसी गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी ना। तो चलो अभी देखते हैं हम कौन सी शूट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एक बार पहले भी आया था मैं जब लास्ट टाइम राजस्थान गया था, बट उस टाइम मैं आया था रात में। वो सामने देखो क्या लगा हुआ है। तो चलो कोई नहीं, अभी अंदर पाजी से बात करते हैं, अगर वो लोग करेंगे तो शूट करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर नहीं कर सकते। सुबह धुंध से शुरू हुए थे, उसके बाद एक जगह गए वहाँ वीडियो शूट हो नहीं पाई, एक जगह और गए, फिर वहाँ चीज़ें इतनी अच्छी थी कि मैंने ना मन किया कि एक्सपीरियंस गेन किया जाए। और मतलब वीडियो के पॉइंट से वो चीज़ जगह उतनी नहीं थी, बट एक्सपीरियंस के पॉइंट से वही। बट इन सारी चीज़ों में क्या है कि जगहें काफ़ी दूर 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 थी और हमें आप देख सकते हो चुकी है शाम। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अभी हम जाएंगे घर। और गाड़ी जो है देखो, मैंने बोला था कि मैं शाम को गाड़ी रिवील कर दूंगा अगर 3000 कमेंट हो जाते हैं। कमेंट तो पूरे हो गए, बट गाड़ी ना मैं मतलब ऐसे ही जल्दबाजी में यहाँ कहीं खड़े होके हाँ भाई ये गाड़ी है, मैं ऐसे ऐसे रिवील नहीं करना चाहता। मतलब प्रॉपर डिटेल के साथ क्यों ली है, क्या रीजंस हैं, क्या इसमें खास है, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ। तो वो हो सकता है कल ही होगा, इसलिए हमने प्लान किया कि हम जा रहे हैं घर। सही बोला, एक मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा कि भाई आज नहीं बना पा रहा हूँ मैं, तो ठीक है। वैसे कुछ लोगों ने सही गेस कर भी लिया था कि कौन सी गाड़ी है। तो चलो अभी धुंध छटने से पहले हमें घर भी पहुँचना है। ये चंडीगढ़ का जाम तो जम्मू से भी ज्यादा है, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कहीं 3 मिनट का सिग्नल नहीं देखा भाई साहब। 199 सेकंड का सिग्नल आया इधर, 199 सेकंड का, मैं तो पागल ही हो गया। अभी घर जाने का समय है, मेघांक भैया कभी कहते हैं इधर वर्कशॉप जाना है, कभी उधर जाना है, मैं तो क्या बताऊं गाइस, वीडियो भी नहीं डाल पाया, सिर्फ मेघांक भैया की वजह से। जिधर भी जाते हैं इधर ऑडी A6 ही दिखती है, इसका सस्पेंशन तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। क्या करूं मैं आपका, पूरे 45 मिनट लगे हमें यहाँ पहुँचने में और अंदर 5 मिनट भी लगे ही नहीं हमें। कोई बात नहीं, मॉडिफिकेशन करके करना पड़ेगा। ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस, एक चीज के लिए आए थे, जो गाड़ी हमने ली है उसी के लिए कुछ पूछने आए थे, बट उसका रेडिली सामान कहीं भी अवेलेबल नहीं है। शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, बट क्या है भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी, फिर बाहर क्या है कि ट्रैफिक भी इतना ज्यादा है, तो थोड़ा सा मैंने कहा खाना खा लेते हैं, उसके बाद क्या है जाम भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि पीक आवर चल रहे हैं ना 7 बजे अभी। इतना ज्यादा खाना खा के नींद आ जाएगी, एक तो फोन बहुत आते हैं इनको, तो चलो कोई चक्कर नहीं है। जी फाइनली पहुंच गए हैं जम्मू वापस। तो क्या है कि कल रात को मतलब इतना हॉच पॉच हो गया ना वहां जाके, एक तो रात को धुंध इतनी ज्यादा है, फिर ट्रैफिक भी सब कुछ, तो फिर कुछ शूट ही नहीं हो पाया। गाड़ी आपको दिखानी भी है और फिर मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि प्रॉपर आपको दिखाएं गाड़ी में क्या चीज खास है, एक थोड़ा सा ऑफ रोड टेस्ट भी करके दिखाएं, तो बस उसी चक्कर में है। तो अभी मैंने मृगांक भैया को बोला है, तो वो गाड़ी लेके जो है बाहर आ चुके हैं, तो फटाफट से उनसे मिलते हैं और दिखाते हैं आपको गाड़ी। और उसके बाद मेरे जो काम है पेंडिंग वेंडिंग, जिमनी छोड़ कर गया था फेंडर पेंट के लिए, वो है, जिप्सी का अभी तक कोई अपडेट नहीं है, फॉर्चुनर का अभी तक कोई अपडेट नहीं है, तो इन सारे कामों को भी समेटना है। डेली रूटीन, रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो शुरू हो चुकी है। ठीक हो? मॉर्निंग। और बढ़िया। क्या ऐसे बड़े डिसेंट से होके बैठे हुए हो? गर्मी लग रही है मेरे को जैकेट में। अच्छा गाइस, अभी आपको पता लग ही चुका होगा, तो क्या है कि गाड़ी सीधा लोकेशन पे लेके जाएंगे और फिर आपको एकदम रिवील करेंगे। इधर ही स्लो चलो, इधर से अंदर भी होना है कहीं से, काफी बड़ी सी गाड़ी है, जाइंट है, जाइंट। लोकेशन पे पहुंच के मुजादे जो है वो ताजा हो गई हैं, तो ये जो आपको पहला डिच दिख रहा है, हाँ फंसी थी हमारे ऋषभ भाई की थार 700। और वहां फंसी थी हमारी प्रगुन भाई की हाइलक्स। देखो आप ऐसी लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं और गाड़ी कौन सी है वो आपको अब सस्पेंस जो है वो रिवील कर देने का टाइम आ गया है। मृगांक भैया कर दें फिर, इतने शांत क्यों हो आज?
कुछ नहीं है ऐसी। अरे हंसते रहा करो, लाइफ में टेंशन तो सबको ही है। मृगांक भैया को भी मेरे से ज्यादा टेंशन हो गई अभी एक चीज की, चलो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो मृगांक भैया ने जो चीज मेरे लिए लाई ना, मतलब मैं तो वो देख के खुशी हो गया। मतलब ये चीजें अब हमें शोरूम में वैसे देखने को नहीं मिलती, और मुझे लग रहा है कि मृगांक भैया के पास इसकी काफी अच्छी कलेक्शन भी है। यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये हमारी गाड़ी है, द ऑल न्यू ज़ेनॉन XT फिट्स नो लेबल। तो इसके पीछे जो है हमारी गाड़ी है, तो चलो सबसे पहले तो आपको गाड़ी दिखाते हैं। टन 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 टन। तो बहुत से लोगों ने क्या है कि कमेंट्स में गेस कर भी लिया था सही सही से, बट काफी सारे लोगों का कमेंट ये भी आया कि जो गाड़ी है वो हाइलक्स है, एंड कुछ लोगों को लगा कि भाई स्कॉर्पियो गेटअवे है। लेकिन ना एक चीज जो मुझे लगा, क्योंकि शायद गाड़ी की वो जब मैंने फोटो दिखाया था उसमें कुछ इस तरह से शेप बन रही थी कि सबको गेस था कि है तो ये कोई पिकअप ट्रक ही है। ये सबसे पहले आपको बताएंगे गाड़ी के बारे में, फिर आपको बताएंगे कि हमने इसे क्यों चूज करा है, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये भी अपने आप में एक रेयर फाइंड है। अभी ये जो गाड़ी है ना, ये है 2012 मॉडल हाइलक्स, और की इसुजू की वीडियो में मैंने बताया कि भाई इंडिया में पिकअप ट्रक्स नहीं है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई बुलेरो कैंपर भी है। भाई साहब बुलेरो कैंपर को प्राइवेट नंबर लगा पाना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना व्हाइट नंबर प्लेट है, वो उसमें एक टफ सा प्रोसेस रहता है। बेसिकली वो कमर्शियल में आती है, और जिस टाइम पे ये गाड़ी, ये 2012 मॉडल है, जिस टाइम ये गाड़ी मार्केट में आई थी उस टाइम गाड़ी मार्केट में अवेलेबल थी महिंद्रा गेटअवे, बुलेरो कैंपर भी शायद अवेलेबल थी, और ये तीन गाड़ियां थी, हाइलक्स और इसुजू उस टाइम मार्केट में नहीं थी। टाटा क्या है कि हमेशा ही अपने टाइम से थोड़ा सा एडवांस रहा और आज मार्केट में उतना सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। आज हम बात करें तो टाटा एक भी 4x4 गाड़ी नई लॉन्च नहीं करता है, मतलब। लेकिन अगर हम पहले की बात कर लें, सफारी 4x4 में आई, टाटा ज़ेनॉन जो है 4x4 में आई। फिलहाल आ जाते हैं हम इस गाड़ी पे। सबसे पहले आप देख रहे हो एकदम स्टॉक गाड़ी है, बिल्कुल प्लेन गाड़ी, कोरी गाड़ी। सिर्फ एक मॉडिफिकेशन अगर हुई हुई है तो वो है इसके अलॉयज एंड टायर्स, और वही इसमें सबसे खास चीज है, JTR व्हील करके कुछ अलॉय आता है, मतलब कुछ अलग सा डिजाइन है। इस तरह का डिजाइन मैं पहली बार मतलब अपनी वीडियोस में दिखा रहा हूं आपको। प्लस यहां पे इसको जो है मैनुअल हब लगे हुए हैं, इस पे वो बॉग वार्नर का हब आता है ऑटोमेटिक वाला, जो हमारी थार CRD में आता है। और अगर हम टायर प्रोफाइल की बात कर ले, किधर 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 245/75 R16। इसके बाद आपको लग रहा होगा कि भाई गाड़ी जो है काफी ज्यादा हाइट पे है। उसका रीजन एक तो क्या है कि इसके फुट स्टेप जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है, यहां से। प्लस ये गाड़ी जो है ये लिफ्टेड भी है, वो हम आपको यहां से दिखाते हैं, ये आप देख रहे हो ना, ठीक है। तो ये यहां से बॉडी लिफ्ट भी है, तो आगे से गाड़ी जो है बिल्कुल स्टॉक जैसी कंपनी से आती थी वैसे ही दिखती है। जो मेन चीज इस गाड़ी की खास है वो है 4x4। एक और चीज जो बड़ी खास से हमें इस गाड़ी में मिल जाती है वो है हमारा लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। तो बेसिकली ये क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे ये काम करती है, उसके लिए आप YouTube पे वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैंने भी YouTube पे ना बहुत सी वीडियोस देखी और कोशिश करी इस चीज को समझने की, बट ये चीज ना मेरी समझ में आ नहीं पाई। तो बेसिकली क्या है, जैसे हमारी गाड़ियां जो हैं वो होती हैं ओपन डिफ। ओपन डिफ में क्या है कि अगर एक टायर पे थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस आती है तो दूसरा टायर जो है अगर हवा में है तो वो फ्रीली स्पिन करने लग जाएगा। लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल में ऐसा है कि इसके जो दोनों टायर्स हैं कुछ लिमिट तक उन दोनों में पावर रहेगी, ठीक है, मतलब वो ओपन डिफ से थोड़ा सा बेटर है, बट वो MLD जो लॉकर की तरह काम बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप इनपुट ज्यादा दे रहे हो तो ये भी एज अ ओपन डिफ ही काम करेगा, बट अगर आपका इनपुट कम है तो इसके दोनों टायर बराबर बराबर ही स्पिन करेंगे। तो इससे आपको बर्फ में जो है गाड़ी स्लिप करने के चांसेस कम है, मड वगैरह जो वैसी सिचुएशन में ये आपको हेल्प कर सकता है। तो ये एक खास चीज है इसमें लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, अभी शायद आई थिंक किसी भी गाड़ी में नहीं आ रहा है, टाटा की गाड़ियों में ही ये आता था। बाकी अगर हम इंजन वगैरह की बात कर ले, 2.2 लीटर का इंजन है, 140 हॉर्स पावर की ये गाड़ी है। मिगा मिगा बोनेट खोलो, ये आ गया हमारा इंजन बे कुछ इस तरह का। और अरे मतलब सबसे पहले आते ही लाइट दिखा रहे, मतलब देखो ना यार टाइम के साथ चीजें कैसी थी कि अगर किसी को रात को भी करना है तो 2.2 लीटर का जो है इसमें इंजन है। बाकी काफी क्लीन सा सेटअप है, और ये जो है इसका फिल्टर आ गया। ऑफ रोड गाड़ी है तो इसमें हम स्नॉर्कल जो है वो लगा सकते हैं, यहां से इसका कुछ इनटेक करके स्नॉर्कल लगेगा। बाकी मैंने गाड़ी के बारे में आपको तकरीबन सारी चीजें बता दी। इसमें कंफर्ट का एक रीजन ये रहता है, जैसे देखो ये लॉन्ग व्हील बेस गाड़ी है ना, तो अब इसका जो पीछे वाला टायर है वो भी आपके मिडल में से काफी पीछे है, तो मतलब जब ये जंप लेगा तो वो इसका इंपैक्ट पीछे ज्यादा आएगा, तो सेंटर वाले लोग भी काफी कंफर्टेबली इस गाड़ी में बैठते हैं। फ्रंट इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आ जाता है, पीछे लीफ स्प्रिंग आ जाते हैं, तकरीबन सभी पिकअप ट्रक्स में यही जो है सेटअप आता है। और अंदर से अगर हम बात करें गाड़ी की, ये अपने टाइम का टॉप मॉडल ही है 2012 में, बटन यहाँ अलग अलग से दिए जाते थे, लेकिन ये तो आफ्टर मार्केट ही है पाइनियर वाला। बाकी कंसोल आप देख सकते हो, ये जो एक स्क्रीन है ये भी लगी हुई है, अच्छा है। एक टाइम हो जाता है जब आदमी बहुत ज्यादा ऑफ रोड कर लेता है और फिर उसे टूरिंग के लिए कंफर्टेबल गाड़ी की जरूरत होती है। इसमें हम पॉपअप कैंपर बनाएंगे और ये इसका फोर व्हील ड्राइव। तो मतलब सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया भाई साहब, फोर व्हील ड्राइव इसका जिस तरह से पुरानी स्कॉर्पियो सॉरी सफारी, पुरानी सफारी में आता है वैसा ही है। ये देखो, ओके, ये देखो 4H आ गया ना, ये देखो ब्लिंक कर रहा है। गाड़ी क्या है कि स्टेशनरी है, थोड़ा सा मोशन में होगी तो ये 4L जो है ये भी एंगेज हो जाएगा। उस टाइम मेरे को लगता है टाटा अपनी सारी गाड़ियों में ऐसी था। स्टॉर्म कौन से ईयर में आई है? स्टॉर्म 12 12 में 12 में
तो चलिए यही कुछ है गाड़ी का मसला, बाकी तकरीबन सारी चीजें आपको दिखा दी मैंने। तो अब बात कर लेते हैं गाड़ी की थोड़ी सी ऑफ रोड परफॉर्मेंस की, किस तरह से परफॉर्म करती है, क्या करती है। तो ये जो पीछे का रोल बार है ये हमने ऐसे ही रखा हुआ है, अभी इसे फिट नहीं करवाया हुआ, बट क्या है कि गाड़ी का वीडियो शूट करना था तो हमने कहा चलो ऐसे अच्छा लगेगा। और पीछे की अगर हम बात कर ले, यार चीजें मैं भूल जा रहा हूँ, देखो पीछे इसमें बम्पर जो है ये भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, और इसी से शायद सब लोगों को डाउट पड़ा कि ये पिकअप ट्रक है, ठीक है, क्योंकि इस तरह का बम्पर आपकी दूसरी एसयूवीज में नहीं लगता है। Isuzu में जो बम्पर आता है वैसा ही डिजाइन है सेम, क्योंकि Xenon जो है डिसकंटिन्यू कर दी गई है, तो इसकी एसेसरी नए में तो मैन्युफैक्चर होती नहीं है, बाकी पॉपअप कैंपर जब बनेगा तो वो आपको दिखा ही देंगे। तो बाकी बैजिंग आप ये आते चुका है, सबसे पहले ये कल तो नहीं था, मैंने कहा ये कैसे लग गया फटाफट से, Xenon XT X 4x4। अभी आप जो इसे देख रहे हो ना, बस आप इसे ऐसे देख लो, अब इसके बाद जब भी ये आपको मिलेगी ना कुछ तो इसमें नया आपको मिलने ही वाला है। अब वो क्या क्या नया नया होने वाला है वो तो हमारे मृगांक भी यही हमें बताएंगे। फुटस्टेप्स, बम्पर, विंच और फिर पॉपअप कैंपर या रूफ़टॉप टेंट। तो चलिए यही सारी चीज़ें हैं, तो फटाफट से अभी 4x4 लगा के एक छोटी सी आपको टेस्टिंग करके भी दिखा देते हैं। हाँ, 4x4 करने से पहले सबसे पहले तो इसमें हब लॉक करने ज़रूरी हैं, मतलब ये तो मुझे जिप्सी की फील आ गई, क्या है कि रोल बार को भी हटा के रख लेंगे बिकॉज ये अभी हमने इंस्टॉल करवानी है, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें जो है कहीं पे भी ड्रिल वगैरह नहीं हुई है। कोई छोटा मोटा सा ऑब्स्टेकल अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे गाड़ी की कैपेबिलिटीज को। पहला जो अटेम्प्ट है वो करेंगे हम 4x2 में, ये कि 4x2 में ये ज्यादा कैपेबल नहीं होने वाली, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके पीछे वेट नहीं है तो ये पीछे से बड़ी जल्दी स्पिन करने लग जाएगी, लेकिन पीछे वेट हो तो ये 4x2 में भी काफी कैपेबल है। हाँ गियर में ना पूरा शॉर्ट व्हील बेस गाड़ी के जितना कैपेबल ऑफ रोड नहीं कर पाते पिकअप ट्रक का, ये रहता ही है इशू, वो सिर्फ Xenon का नहीं है, थोड़ा सा मोशन में खेल के आना पड़ेगा। चलो गाड़ी हमारे लिए भी नई है और अभी जस्ट हम लेकर भी आए हैं, और सबसे कमाल की बात बताएं अभी तक गाड़ी की पूजा भी नहीं करवाई है, तो ऐसा नहीं है कि बस आए हैं तो तोड़ देनी है, अब जब ऐसा कुछ कर देनी है इसलिए इतना एक्सट्रीम नहीं कर पा रहे हैं, बट बहुत से प्लान्स हैं। तो बेसिकली मेन यही है कि आपको गाड़ी रिवील करना ज़रूरी थी एंड फाइनली वो हम कर लिए। बाकी क्या क्या चाहते हो आप, क्या इस पर किनया करना चाहिए, क्या आप इस पर देखना चाहते हो, सारा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये आप निकलेंगे अपने नेक्स्ट काम पे, बिकॉज आज हमें काम बहुत सारे हैं, सारी डिटेल भी जो है आपको मैंने गाड़ी के बारे में बता दी है। तरुण भाई सीढ़ी लाऊं आपके लिए? सीढ़ी तो लानी पड़ेगी, तो ऐसे ही ओहो, एक तो क्या है वैसे ही इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, बट अभी आप यहां से ये देखो ये मेरी कमर है, मतलब इस गाड़ी की आप हाइट चेक कर सकते हो, वो इसका बहुत प्लस है। अभी कोई पत्थर भी बहुत बड़ा पत्थर नहीं है, तो यहाँ से आप हाइट चेक कर सकते हो पूरी दूर से, थोड़ा पीछे जाओ तो यहाँ से आप लगाओ कि इस गाड़ी की कितनी हाइट है, कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मतलब जब ये मार्केट में आई थी तब तो शायद ये 10-12 लाख रुपए के बीच की होगी, आजकल की मॉडर्न हाइलक्स Isuzu जैसी गाड़ी उसे कम्पीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि भाई तो इसका कंपैरिजन हम करेंगे Isuzu के साथ और हाइलक्स के साथ, और सिस्टम भी सुन सकते हो आप इसका, सिस्टम ये आफ्टर मार्केट है क्या। और एक चीज और देखो, मतलब टाटा की गाड़ियों में जो है घड़ी भी आती थी और प्रॉपर टाइम दिखा रहा है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इस टाइम 2:20 के आसपास हो रहा है। गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और वीडियो जो है हमने वो एडिट कर ली है, तो आज आपको टाइम पे वीडियो देना जरूरी है, इसलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूं। तो ठीक है, बने रहिए वीडियो के साथ, प्यार और सपोर्ट नए रखिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, एंड उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, बाय बाय।